हाँ हेलो, वो पढ़ा रहे थे ऑप्टिक्स ना? ऑप्टिक्स में बात चल रही थी इससे पहले एलजी प्लेट्स से सबके डिफ्रैक्शन की थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन्स हमने बताया था। हमने कहा था कि साहब वेव फ्रंट जितना है, वेव फ्रंट को लोग बांट देता है ऐसे हिस्से में, ऐसे रीजन्स में जहाँ हर दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस 180 हो, माने पाथ डिफरेंस लेमडा बाई टू हो, तो उसको लोग बोलता है हाफ पीरियड। 360 डिग्री का एक पीरियड हो जाता है, एक पूरा चक्कर, देन दे आर कॉल्ड हाफ पीरियड जोन्स। यानी वेव फ्रंट को ऐसे हिस्से में बांट देना कि हर दो हिस्से के से आने वाले वेव के बीच का वेव लेंथ लेमडा बाई टू, या कहिए कि साहब फेज डिफरेंस पाई का हो, 180 डिग्री का। 180 डिग्री माने हाफ पीरियड हुआ, 360 माने टू पीरियड हुआ। टाइम डिफरेंस कहिए तो टी बाई टू का हो। ऐसे जोन्स को कहते हैं हाफ पीरियड जोन्स। एंड ये जोन जो है कन्वेक्स लेंस जैसा काम करता है, हालांकि देर आर सम डिफरेंसेस टू, लेकिन कन्वेक्स लेंस से अच्छा काम करता है। इसका रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा होता है एंड बहुत ठीक, बनाना भी आसान, इसके टूटने फूटने का कहीं कोई डर नहीं लाइक लेंस। तो वही हमने लिखा है कि साहब सिमिलरिटीज़ भी है, डिसिमिलरिटीज़ भी है लेंस के साथ, लेकिन ये बहुत अच्छा है। हमने पिछले दिन जोन्स बताया था कि साहब हर जोन से आने वाले लाइट के बीच का फेज़ डिफरेंस विल बी 180 डिग्री, यानी पाई बाई पाई पाई फेज़ डिफरेंस विल बी पाई और पाथ डिफरेंस विल बी लेमडा बाई टू। तो ये है, हर दो के बीच का फेज़ डिफरेंस विल बी पाई। अब यहाँ से देखें, यहाँ से ये मान लीजिए कि साहब यहाँ ये कोई लाइन खींच लीजिए लाइक दिस, यहाँ से फिर यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए बराबर 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 दूरी पर, बराबर 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 दूरी पर बना दीजिए। और ये एक वेव फ्रंट है दरअसल, ये जो हम जहाँ बना रहे हैं ये नीचे भी ऊपर भी, दिस इज़ वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट को हमने बहुत सारे हिस्से में बांट लिया, हर दो हिस्से से आने वाले वेव के बीच का फेज़ डिफरेंस विल बी लेमडा बाई टू। सो इट इज़ कॉल्ड हाफ वेव लेंथ कहिए, या लेमडा बाई टू का मतलब बड़ा टी बाई टू भी होता है, माने टाइम पीरियड आधा। सो इट इज़ कॉल्ड हाफ पीरियड जोन्स। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई लाइट का सोर्स है, और लाइट के सोर्स से ये लाइट यहाँ आएगा, ये माने एक जोन से आया एक हिस्से से, फिर दूसरा लाइट, सॉरी इसको ज़रा सा ठीक से बना लें, ये यहाँ से आया, यहाँ पर हमने काटा, यहाँ से आया यहाँ पहुँचा मान लीजिए, फिर ये यहाँ से आया और यहाँ पहुँचा, ये मान लीजिए देश देश, फिर ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से चलिए लीजिए थोड़ा साफ ही कर लीजिए, ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ आया, माने हाँ ये है। इस पॉइंट का नाम अगर हम ओ रख दें, इस पॉइंट का नाम ए रख दें, इस पॉइंट का नाम बी रख दें, सब पर लाइट पहुँच रहा है, बी रख दें, डैश 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 बहुत सारा है। तो यहाँ और यहाँ से इस दोनों के बीच, इस वेव के और इस वेव के बीच आने वाले, इसका नाम ओ एम वन रख दें, ये एम टू रख दें, या एम थ्री रख दें, एम थ्री रख दें, डॉट 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 एम एन रख दें, कुछ रख दें, तो ओ एम वन जो है ये लेमडा बाई टू ही है। माने इस वेव और इस वेव के बीच आने वाले वेव, यह है दरअसल, ये हमने स्ट्रेट लाइन बनाया, बट ऑफ कोर्स दे आर सर्कुलर जोन्स, हम सर्किल भी बनाएंगे। तो या ये लाइट जो आ रहा है, ये वेव जो आ रहा है, ये वेव दिस डायरेक्ट, और ये जो वेव आया दूसरा वाला, इस दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई टू, टाइम डिफरेंस इज बड़ा टी बाई टू। फिर यहाँ और यहाँ के बीच आने वाले वेव के बीच का पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई टू, टाइम डिफरेंस इज टी बाई टू, फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री। यहाँ यहाँ के बीच का माने बिटवीन एनी टू कंजक्यूटिव पॉइंट्स लाइक एम वन एम टू एम थ्री एम फोर, फेज डिफरेंस इज पाई बाई पाई और पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई टू एंड टाइम डिफरेंस इज टी बाई टू। सो दिस पी जोन दिस जोन दिस जोन दिस जोन दिस जोन्स आर कॉल्ड हाफ पीरियड जोन्स। अब लोग करता यह है कि साहब एक ग्लास प्लेट ले लेता है, और ग्लास प्लेट लेके उसको बहुत अच्छा से, माने बहुत अच्छा प्लेट, और उसको लोग अब कहीं पर सेंटर सेंटर है, सेंटर पर मान लीजिए ये काला ये अंधेरा, फिर एक जोन बना दिया ऐसे, एक सर्किल बना दिया है कंसेंट्रिक सर्किल लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस,
लाइक दिस एक जोन बना दिया। अब ये यहाँ पर डार्क है, यहाँ ये ब्राइट हो गया, फिर यहाँ ये डार्क हो गया, ये डार्क, इसको डार्क कर दिया, इसको डार्क कर दिया, और ये फिर ब्राइट छोड़ दिया, फिर इसको डार्क कर दिया, डार्क कर दिया, डार्क कर दिया, और फिर ब्राइट छोड़ दिया, ब्राइट छोड़ दिया। तो ये इस तरह से, इस तरह से फिर इसको यहाँ ब्राइट छोड़ दिया, इसको डार्क कर दिया, सब बराबर बराबर आता है। बनाने में, फिगर बनाने में हमारे पतला छोटा दूरी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन और होता ही है, फिगर उतना शार्प तो बनता नहीं जैसा किताब वाले बनाते हैं, वो बनाते हैं, लेकिन हम लोग तो बोर्ड पे बनाते हैं, तो ऐसे ही होता है। फिर इसके ऊपर और मान लीजिए ये वी जोन है साहब, तो यहाँ फिर ये ब्राइट हो गया, फिर इसके ऊपर जो हो गया ये डार्क हो गया, लाइक दिस। अभी बहुत छोटा छोटा सर्किल होता है, वो सर्किल का रेडियस भी वेव नंबर के माने एन के स्क्वायर रूट का प्रोपोर्शनल होता है, आर एन बराबर रूट अंडर एन स्क्वायर, आ भी जाएगा अपने लोगों को, देखेंगे हम लोग फार्मूले में। तो होता यह है कि यहाँ से लाइट नहीं आया, फिर यहाँ ब्राइट जो देख रहे हैं लाइट आया, फिर यह डार्क से लाइट नहीं आया, फिर ब्राइट से आया, फिर डार्क से नहीं आया, फिर लाइट ब्राइट से आया, फिर डार्क से नहीं आया, फिर ब्राइट से आया, फिर डार्क से नहीं आया, यह डार्क ही है मान लीजिए, ये डार्क से नहीं जाएगा लाइट, और फिर यह ब्राइट से जाएगा। देन हर दो वेव के बीच, लगातार दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस विल बी लैम्डा बाय टू, उसी का हमने ये यहाँ बनाया। अब इसका रेडियस अगर ओ मान लें तो ये एम वन हो गया, ये एम टू हो गया, ये एम थ्री हो गया, ये एम फोर हो गया, ये एम फाइव हो गया, ये एम सिक्स हो गया, एम सेवन होता रहा। यहाँ से ये वेव जो आया, ये वेव और इस वेव के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, सोर्स है लाइट का, तो लाइट से आने वाले को हम लोग अक्सर यू कहा करते हैं, इसको यू कह दें और इसको भी कह दें, ये यू कह दें, ये भी कह दें, यहाँ इमेज बना, यहाँ हुआ। अब यहाँ से यहाँ की दूरी ओ एम वन, ओ एम वन ये सर्कुलर जोन है जैसे लाइक दिस, इसका का रेडियस आर वन मान लिया, ओ एम वन का, ओ एम टू, ओ एम टू इसका रेडियस आर टू हो गया, ओ एम थ्री इसका रेडियस आर थ्री हो गया, डैश 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 ओ एम एन अगर कर लें तो ये आर एन हो जाए इसका रेडियस, एंड सो ऑन। ये रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है, इसको लिख सकते हैं हम लोग रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड, हाफ पीरियड इसलिए बोलते हैं कि टाइम टी बाई टू का माने ये टी बाई टू का फ़र्क होता है, टी पूरा पीरियड कहलाता है, ये इक्विवेलेंट है लैम्डा बाई टू का फ़र्क, ये इक्विवेलेंट है पाई का फ़र्क, पाई का डिफरेंस नहीं। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन इसको कह लीजिए, ये रेडियस ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन है, रेडियस ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन। सब हाफ पीरियड का मतलब कि एनी टू जोन्स डिफर इन फेज बाई 180 डिग्री, एनी टू जोन्स डिफर इन पाथ डिफरेंस बाई लैम्डा बाई टू, एंड एनी टू जोन्स डिफर इन टाइम पीरियड टी बाई टू। ये टी बाई टू का फेज डिफरेंस हो, लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस हो, ये पाई का फेज डिफरेंस हो, नहीं ये है टाइम डिफरेंस, दिस इज़ कॉल्ड टाइम डिफरेंस, टी बाई टू है ये, ये इसको कह सकते हैं, ये पाथ डिफरेंस लैम्डा दूरी के टर्म में है, एंड ये पाई दिस इज़ इसका कह सकते हैं दिस इज़ फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस के टर्म में, यही तीन डिफरेंस तो हुआ करता है। देन रेडियस ऑफ ये आर टू रेडियस ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन है, सेकेंड हाफ पीरियड जोन जोन। ये आर थ्री जो है दिस इज़ रेडियस ऑफ थर्ड हाफ पीरियड जोन, थर्ड हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन है ना, पीरियड जोन। एंड ये आर एन डैश 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 ये आर एन जो है ये रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन है ना। और यहाँ ये ए जो है इज़ यू इसलिए कहा कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट, इसलिए यू को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, रे यहाँ से आती है इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह सकते हैं, वी में से ऑब्जेक्ट से जो चीज़ भी हम लोग देखते हैं वहाँ से लाइट आता है ना, ऐसा मत समझिए कि वहाँ लाइट जाता है। ये भी इमेज डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का मतलब जहाँ पर इमेज बना माने जहाँ पर लाइट पहुँचा, या डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इसको कह लीजिए, डिस्टेंस यहाँ स्क्रीन पर अगर लाइट बना, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम, स्क्रीन फ्रॉम क्या हो गया ये, स्क्रीन फ्रॉम हाफ पीरियड जोन्स, फ्रॉम जोन प्लेट कह लीजिए, ये जोन प्लेट हो गया, जोन प्लेट से इसकी दूरी जहाँ पर लाइट कन्वर्ज करता है। ये वी विल सी कि इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू कन्वेक्स लेंसेज। अब देखिए ये फिगर इम्प्लाइज, इस फिगर में यहाँ जो ये फिगर है, फिगर इम्प्लाइज
कि अगर हम निकालें यहाँ ए एम वन स्क्वायर तो निकलेगा ये यू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर, ये निकलेगा यह वी स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर, यही निकलेगा। तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं ये आर वन स्क्वायर, आर टू स्क्वायर, आर थ्री स्क्वायर, ये बराबर कितना होगा, ये दूरी ए एम वन क्या हो जाएगा बताइए, ए एम वन प्लस ये होगा ए एम वन स्क्वायर होगा ना, ए एम वन स्क्वायर प्लस बी एम वन स्क्वायर, ये होगा u प्लस इससे इसके बीच की दूरी पाथ रेफरेंस कितना है r1, अगर इस दूरी को u माने तो ये दूरी विल बी u प्लस r1, ये v प्लस r1, ये होगा नतीजा है कि साहब वो हम लोग कर सकते हैं इसको u प्लस v। फर्स्ट में क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए बी के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, ये u है ये v है, और यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो ये u प्लस लेमडा बाई टू है, यू यहाँ से यहाँ तक ए एम वन प्लस ए एम एम वन बी, ये बराबर कितना है यू प्लस वी प्लस लेमडा बाई टू, एंड ए एम टू प्लस एम टू बी कितना है यू प्लस वी और प्लस लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू, माने टू लेमडा बाई टू प्लस थ्री लेमडा बाई टू प्लस फोर लेमडा बाई टू, एंड सो ऑन होता जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो हम लोग लिख सकते हैं ए ओ बी, ए ओ बी ये बराबर हम लोग लिख सकते हैं u प्लस वी, ये u प्लस वी इसको लिख सकते हैं, लेकिन ए एम प्लस एम प्लस एम वन बी, ए एम प्लस एम वन बी, ए एम प्लस वहाँ से वहाँ की दूरी एम वन बी, अगर ये लिखेंगे तो ये कितना होगा, ये दोनों से आने वाले वेव के बीच का पाथ रेफरेंस एम वन बी, ये बराबर होगा यू प्लस वी प्लस लेमडा बाई टू, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम लोग निकालें ए एम टू प्लस एम टू बी, ए एम टू प्लस एम टू बी, तो ये बराबर क्या होगा यू प्लस वी प्लस टू लेमडा बाई टू, इसलिए कि पाथ रेफरेंस दोगुना मैंने इससे यहाँ यहाँ के बीच। फिर उसी तरह से अगर निकालें ए एम थ्री प्लस एम थ्री बी, एम थ्री बी, तो ये होगा u प्लस वी प्लस थ्री लेमडा बाई टू, एंड डैश 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 ये होता रहे। अब देखिए फार्मूला से नाउ फिगर इम्प्लाइज, नाउ अब हम लिखते हैं नीचे, ये सब उतार लीजिए, उतारना उतार लीजिए, देख लीजिए, और फिर हम मिटाएंगे आगे, ठीक है, मिटाते हैं इसको ऊपर। फिगर से आपको दिख रहा है कि ए एम वन स्क्वायर अगर हम लोग करें जियोमेट्रिकली तो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ एम वन स्क्वायर हो, और उसी तरह से अगर एम वन बी स्क्वायर करें तो कितना होगा ओ बी स्क्वायर प्लस कितना ओ बी स्क्वायर प्लस ओ एम वन स्क्वायर होगा ही। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साहब वो ए एम वन फिगर इम्प्लाइज, फिगर इम्प्लाइज फिगर से हम लोग लिख सकते हैं ए एम वन, ए एम वन ये बराबर है यू वन स्क्वायर, यू वन स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर, आर वन स्क्वायर का पावर हाफ, ये ए एम वन, एंड ए एम टू अच्छा बी एम वन, बी एम वन, बी एम वन अगर लिखें तो ये होगा वी स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर का पावर हाफ, ये होगा नहीं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, दैट इज़ ए एम वन, ए एम वन प्लस एम वन बी, जैसे लिखा था यू प्लस वी प्लस लेमडा बाई टू हो गई, ये बराबर होगा देखिए यहाँ से अगर हम लोग कॉमन निकाल लें ये आर वन स्क्वायर, आर वन स्क्वायर को कॉमन निकाल लें तो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस आर वन स्क्वायर का कॉमन लिया रूट लिया, ये आर वन स्क्वायर बाई यू वन स्क्वायर, आर वन बाई यू वन स्क्वायर है, यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर पावर हाफ होगा, देखिए तो नहीं होगा ये आर वन यू, हाँ आर वन स्क्वायर बाई यू वन स्क्वायर पावर हाफ, ठीक है, देखिए नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लिए ए एम वन, इसको ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, आर वन स्क्वायर को कॉमन ले लें, कॉमन ले लें,
तो ये वन हो जाए प्लस यू स्क्वायर हो जाए बटे आर वन स्क्वायर हो जाए, पावर हाफ हो जाए ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एम वन को क्या लिख सकते हैं, आर वन, आर वन प्लस आर वन प्लस, हाँ आर वन कॉमन और वन प्लस ये आर वन स्क्वायर हो गया, इसका रूट हो गया, ये वन प्लस आर वन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय यू स्क्वायर बाय आर वन स्क्वायर। आर वन को कॉमन ले लिया तो आर वन से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, या आर वन को कॉमन ले लिया तो आर वन कॉमन नहीं लेके अगर अच्छा लगे हम लोगों को, चूँकि यू प्लस भी करना है, यू प्लस भी करना है तो यू ही को कॉमन ले लेते हैं। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ ए एम वन बराबर, दैट इज़ हम लिख सकते हैं ए एम वन ही है, ए एम वन ये बराबर यू ही को कॉमन ले लें, यू को कॉमन ले लें तो ये हो जाए यू स्क्वायर कॉमन हो गया और फिर रूट हो गया यू हो गया, ये वन प्लस आर वन स्क्वायर बाई यू वन स्क्वायर पावर हाफ, ये भी हो देखे तो ठीक है। ए एम वन बराबर और उसी तरह बी एम वन बराबर, बी एम वन अगर कहें तो यहाँ भी हो जाए, ये बी एम वन तो भी है ना, तो ये भी हो जाए भी वन प्लस आर वन स्क्वायर बाई वी वन स्क्वायर, ऐसा हो जाए, ये भी हो जाए। अब देखिए कि ए एम वन प्लस एम वन बी बराबर है यू प्लस वी प्लस लेमडा बाई टू, तो अच्छा इसका पावर हाफ है, इसका पावर हाफ है। अब ये आर वन आर टू क्या है, एक एक लेमडा बाई टू का फ़र्क है, रेडियस ऑफ माने ये फर्स्ट ये दूरी है एक लेमडा बाई टू, ये दूरी है दो लेमडा बाई टू, ये दूरी है थ्री लेमडा बाई टू, हाफ पीरियड जोन है, एक एक लेमडा बाई टू का ही फ़र्क है सब। तो ऐसी हालत में आर एन अगर होगा तो एन लेमडा बाई टू होगा, मिटा दें इसको इधर नोट करते रहिए, नीचे मिटाएंगे। दैट इज़ दिस इक्वेशन, ये अपने लोगों का जो ये है, इसको और इसको अगर ले लें तो ये क्या होगा, दोनों को साथ कर दें, मिटा देते हैं नीचे, ठीक है। देखिए ये ए एम वन दैट इज़ हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज़ ए एम वन प्लस एम वन बी जो भी है, ए एम वन ही पहला ही वाले को ले रहे हैं, एम वन बी, एम वन बी ये बराबर हो गया यू प्लस वी प्लस लेमडा बाई टू, और ये बराबर है यहाँ से देखिए तो यू प्लस वी प्लस यू प्लस यू यू का यू यू हुआ ना। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा ये आर बहुत छोटा है, लेमडा बाई टू लेमडा वेव लेंथ है, वेव लेंथ बहुत छोटा है, लाइट का वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रम से 10000 एंगस्ट्रम के बीच है, 8000 के, तो एंगस्ट्रम इटसेल्फ इज़ वेरी स्मॉल, 8 × 10⁻¹⁰ मीटर, सो आर वन बहुत स्मॉल है। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं यू इंटू वन प्लस आर वन बाई टू यू वन स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, टू यू वन, यू वन है ना, यू वन ही लिखा है शायद, नहीं यू यू वन कहाँ को लिखा, चलिए यू है, यू वन कहाँ कहें, आर वन स्क्वायर बाई यू वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर, वी वी है आर वन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये वी यू वन वी वन नहीं है, आर वन आर टू, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, ये आर वन बाई वी स्क्वायर कॉमन, ठीक है, इसको लिख सकते हैं वी वन प्लस आर वन बाई टू यू वन, टू वी वन स्क्वायर माने टू वी वन, ठीक है, टू वी वन ये लिख सकते हैं इसको। वन प्लस एक्स पावर एन बराबर होता है वन प्लस एन एक्स, क्या होता है वन प्लस एक्स पावर एन बराबर वन प्लस एन एक्स, कौन फार्मूला से याद रखिए, चूंकि ये होता है वन प्लस एक्स पावर एन बराबर वन प्लस एन एक्स, शर्त इफ़ इफ़ एक्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल दैन वन, एक्स का मान अगर एक से बहुत कम है देन इसको लिखा जा सकता है वन प्लस एक्स पावर एन बराबर वन प्लस एन एक्स, कहिए क्यों, यहाँ भी एक्स की जगह पर क्या है आर है रेडियस, और रेडियस जो है वो बहुत कम है, रेडियस इसका लेमडा बाई टू है, और लेमडा हम बता रहे हैं एंगस्ट्रम में है, 10⁻¹० एंगस्ट्रम, 10⁻¹⁷ एंगस्ट्रम, देर आर सो माने वेरी स्मॉल, सो वन प्लस एक्स पावर एन को क्या लिख सकते हैं वन प्लस एन एक्स,
आप देखिए कि कितना हो गया, इसलिए एम वन ए को एम वन बराबर हो गया दैट इज यू प्लस आर वन, आर वन हाँ आर वन बट्टे आर स्क्वायर था ना, हाँ आर वन स्क्वायर आर वन बट्टे वन प्लस एक्स पावर एन, यहाँ भी छोड़ दिया हमने, आर वन स्क्वायर करना चाहिए, आर टू स्क्वायर करना चाहिए, आर वन स्क्वायर करना चाहिए, यहाँ भी स्क्वायर था। तो आप बताइए स्क्वायर ही है ना, यू स्क्वायर प्लस आर वन, यू को बाहर निकाला तो आर वन स्क्वायर बाई यू वन स्क्वायर बचेगा, यू स्क्वायर यहाँ वी को बाहर निकाला आर वन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बचेगा, ये ठीक है, ये ठीक है, देख लीजिए इसको। तो अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है ए एम वन बराबर है, यहाँ से देखिए ये तो लिखा ही हुआ है ए एम वन प्लस एम वन बी यू प्लस वी प्लस लेमडा बाई टू। अब यहाँ हम इसको लिखेंगे आर वन बाई कितना लिखेंगे, ये u प्लस आर वन स्क्वायर बाई टू यू, टू यू, देखिए ये लिखेंगे नहीं टू यू, यू से यू कट जाएगा, आर वन स्क्वायर बाई टू यू वन स्क्वायर है ना, तो आर टू ये कटेगा u से u, और प्लस यहाँ एम वन बी को लिखेंगे वी प्लस कितना लिखेंगे यहाँ v प्लस आर वन स्क्वायर बाई टू वी, ये बराबर लिखेंगे u प्लस वी प्लस यहाँ जैसे लिख रहे थे यहाँ u प्लस वी प्लस लेमडा बाई टू, u प्लस वी प्लस लेमडा बाई टू। देखिए दिस u से दिस v से दिस v कैंसिल, दिस u से दिस u कैंसिल, ये बचा आर वन स्क्वायर दैट इज आर वन स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लीजिए, वन बाई यू प्लस वन बाई वी हो गया, ये बराबर बच गया इधर सीधे लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू। अब देखिए टू टू कट गया ऐसे भी, आर वन स्क्वायर है ना, ये आर वन स्क्वायर है, हाँ बहुत अच्छा आर वन स्क्वायर, तो ये टू टू कट गया। अब ये साइन कन्वेंशन अगर निकालिएगा साइन कन्वेंशन से निशान का जो है, तो ये यू का निशान नेगेटिव है, वी का निशान पॉजिटिव है, इधर से रे आई है और इसे इधर से रे गई है, तो रे के आने का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, और फिर रे गई भी इधर ही है तो वी का भी डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इसलिए वी का डायरेक्शन उल्टा नापा जाता है इधर से, ये वन बाई वी हो जाएगा, वन बाई वी माइनस वन बाई यू हो जाएगा ये, इसलिए कि आने वाले रे के उल्टा डायरेक्शन में दूरी नापते हैं, दूरी नापी जाती है हमेशा लेंस से या मिरर से, और रे जिधर से आए उल्टे उल्टा डायरेक्शन में नापी गई दूरी निगेटिव, सीधा डायरेक्शन में नापी गई दूरी पॉजिटिव, इसलिए ये भी पॉजिटिव है एंड यू नेगेटिव है, तो इसमें निशान लगा देंगे हम लोग, इधर ऊपर मिटा देते हैं या इधर ये मिटा देते हैं। चलिए बहुत अच्छा सिस्टम है ये, बहुत अच्छा डिवाइस है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ये टू से टू विल कैंसिल आउट, टू से टू विल कैंसिल आउट, एंड यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन से ये हो जाएगा, यूजिंग साइन कन्वेंशन लिखेंगे वन बाई वी माइनस वन बाई यू, ये बराबर हो गया लेमडा बाई आर वन स्क्वायर, यही ना है लेमडा बाई आर वन स्क्वायर दैट इज वन बाई वी माइनस वन बाई यू, माने हो गया वन बाई एफ, ये बराबर हो गया लेमडा बाई आर वन स्क्वायर, हो गया ना, यानी ये एफ बराबर कितना हो गया, एफ बराबर आर वन स्क्वायर बाई लेमडा। लेकिन एक बात है कि साहब यहाँ ये तो हमने हाफ पीरियड जोन एक देखा, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तब तो ये देर विल बी सेवरल फोकल लेंथ, कई फोकल लेंथ होगा, और फॉर nth ऑर्डर हाफ जोन हमको लिखना होगा n लेमडा बाई टू, यहाँ हमने एक लेमडा बाई टू लिखा था, ये लिखा नहीं चाहिए u प्लस वी लेमडा बाई टू, एक जोन माना था, अगर nth होता आर एन होता, यहाँ आर एन अगर लिखेंगे तो यहाँ n लेमडा बाई टू लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा n लेमडा। सो फॉर nth हाफ पीरियड जोन, फॉर nth हाफ पीरियड जोन हम लोग लिख सकते हैं, फॉर nth हाफ पीरियड जोन, nth हाफ पीरियड जोन जोन वी में राइट, वी में राइट क्या लिख सकते हैं, वी में राइट एफ एन, माने nth हाफ पीरियड जोन, एफ वन फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के लिए निकाला था, वन लिखा है, ये बराबर लिख सकते हैं हम लोग आर एन स्क्वायर बाई एक लेमडा बाई टू था, यहाँ तो अब n लेमडा बाई टू होगा, देन इट इज़ n लेमडा, एफ एन बराबर इतना, ये फोकल लेंथ हो गया,
फॉर nth ऑर्डर हाफ पीरियड जोन, ये फोकल लेंथ है, फॉर फोकल लेंथ है, फॉर फॉर nth हाफ पीरियड जोन, nth हाफ पीरियड जोन है ना, ये इसका वर्किंग फार्मूला है। अब इसमें देखिए इंटरेस्ट की बात क्या है, nth हाफ पीरियड जोन के साहब यहाँ अब लेंस नहीं बनाना पड़ा, और ये 1/v-1/u बराबर 1/f का फार्मूला भी यहाँ लगा, ये 1/f, ये लेंस फार्मूला, सिमिलर टू लेंस फार्मूला है, ये सिमिलर टू कन्वेक्स लेंस फार्मूला, कन्वेक्स लेंस फार्मूला, कन्वेक्स लेंस में ऐसे ही होता, कन्वेक्स उसमें भी रियल इमेज बनता है, एक तरफ ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ इमेज, कनकेव में नहीं। तो ऐसी हालत में ये जोन प्लेट जो है, ये कन्वेक्स लेंस का जोन प्लेट इज कन्वेक्स लेंस का बेस्ट सब्स्टिट्यूट है, बेस्ट सब्स्टिट्यूट, बट देर आर डिफरेंसेस। इसमें कुछ नहीं, कन्वेक्स लेंस बनाने के लिए कर्वेचर करना, ये करना, वो करना, कुछ नहीं। लोग जोन प्लेट जो बनाता है, कागज़ का पेपर ले लिया और उसमें कंसेंट्रिक सर्किल बनाना है, और कंसेंट्रिक सर्किल में ये होता है, उसके रेडियस का पहले हमने बताया था कि उसके रेडियस का जो वैल्यू होता है वो स्क्वायर रूट के नेचुरल नंबर के बराबर होता है, आर एन आपने लिखा है ना कहीं पर, यहाँ आर एन मैंने रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, ये सब हमेशा याद रखना है, रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन ये बराबर होता है पीरियड जोन, ये प्रोपोर्शनल होता है हमेशा रूट एन के, एन माने नेचुरल नंबर, एन माने 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी याद रखना चाहिए हमेशा, एन नेचुरल नंबर में ये है। देन आई वॉज सेइंग के साहब दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू कन्वेक्स लेंस, लेकिन इसमें इसके टूटने का चांस है, न गिरने का चांस है, न फटने का चांस है, और ये कागज़ के प्लेट पर, किसी ग्लास प्लेट पर आसानी से इसको किया जा सकता है, कंसेंट्रिक सर्किल बना के एंड जोन प्लेट बनाया जा सकता है। जहाँ जहाँ कन्वेक्स लेंस की ज़रूरत है, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जहाँ कहीं भी ज़रूरत है वहाँ लोग यूज़ करता है जोन प्लेट। जोन प्लेट इज़ वेरी वेरी यूजफुल डिवाइस इन प्लेस ऑफ लेंस, लेकिन देर आर डिफरेंसेस टू, फ़र्क भी है कन्वेक्स लेंस में, जोन प्लेट में देर इज़ डिफरेंस भी है। तो डिफरेंस ये है कि साहब इसका फोकल लेंथ कई होता है, एक ही वेव लेंथ के लिए फोकल लेंथ कई होता है। दूसरी बात ये होती है कि साहब इसका माने इस पर डिपेंड करता है, हाँ, फोकल लेंथ कई होता है, और ये फोकल लेंथ जो है इसके लैम्ब्डा का उल्टा प्रोपोर्शनल है, यानी लाल रंग के लिए फोकल लेंथ कम होगा और बैंगनी रंग के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होगा, यानी ये वेव लेंथ डिपेंडेंट है और वेव लेंथ का उल्टा प्रोपोर्शनल है। जबकि कन्वेक्स लेंस का फार्मूला होता है वहाँ सिर्फ 1/f बराबर μ-1, 1/r1-1/r2, यहाँ 1/f देख लीजिए क्या है, यहाँ fn है, n फोकल लेंस है, तो वहाँ फार्मूला उसका अलग है, और वो म्यू यानी वेव लेंथ के बढ़ने से फोकल लेंथ बढ़ता है उसका, और यहाँ वेव लेंथ के बढ़ने से फोकल लेंथ घटता है। देन दिस इज़ उल्टा रिलेशन भी है, और साथ साथ ये है कि साहब ये डिफ्रैक्शन का डिवाइस है, ये डिफ्रैक्शन के वेव के बेंड करने के चलते हुआ है, और वो कन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्शन का डिवाइस है। देन दीज आर डिफरेंसेस भी और सिमिलरिटीज़ भी, हम लिख देते हैं थोड़ा इसको, लिख दें वो लिख देते हैं, देखिए यहाँ fn हमने लिखा भी है, fn उल्टा प्रोपोर्शनल है शायद लैम्ब्डा का, याद रखिएगा 10, याद रखिएगा 10 क्लियर दैट ए जोन प्लेट behaves as a convex lens with differences that फ़र्क भी है with differences that, पहली हालत में focal length of lens is constant, focal length of lens is constant whereas जबकि focal length of zone plate depends on order of zone that is a zone plate
may have several focal lengths. May have several focal lengths. ठीक है, several foci, focal length का उल्टा foci लिख दिए, foci या foci. और पहला फर्क, दूसरा फर्क ये कि यहाँ इन कन्वेक्स लेंस, इन कन्वेक्स लेंस में f varies as lambda होता है. दैट इज़ लाल रंग के लिए फोकल लेंथ बड़ा होगा, दैट इज़ एफ आर, एफ आर ग्रेटर देन एफ वी होता है, इम्प्लाइज लेमडा आर ग्रेटर देन लेमडा आर ग्रेटर देन, माने लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए समझते हैं ना ये लेमडा, रेड रंग का वेव लेंथ बड़ा होता है तो रेड रंग के लिए फोकल लेंथ भी बड़ा होगा कन्वेक्स लेंस में. लेकिन यहाँ उल्टा है, देखिए लेमडा का फोकल लेंथ यहाँ लेमडा उल्टा है, नीचे में है. बट इन कन्वेक्स जोन प्लेट, याद रखिएगा, बट इन जोन प्लेट में एफ जो है एफ लेमडा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. दैट इज़ यहाँ एफ आर माने रेड रंग के लिए फोकल लेंथ कम होगा एंड वायलेट रंग के लिए ज़्यादा होगा. यहाँ एफ आर बड़ा है, वी छोटा है, यहाँ एफ आर छोटा है, वी बड़ा है. फोकल लेंथ फॉर रेड, फोकल लेंथ फॉर वायलेट. ओके, और दूसरा और दो तीन और फर्क है. ये यहाँ जोन प्लेट जो होता है एकदम प्लेन होता है, इसमें देयर इज़ नो कर्वेचर एट ऑल नहीं. लेकिन जोन प्लेट इसमें कन्वेक्स लेंस में, लेंस में तो कर्वेचर होता है, तो लेंस में हर जगह लिख सकते हैं हम लोग तीसरा में कि थिकनेस ऑफ जोन प्लेट, थिकनेस ऑफ जोन प्लेट, जोन प्लेट इज़ यूनिफॉर्म, एक ही तरह का होगा हर जगह, थिकनेस सेम. लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होगा, बट नॉट सो इन केस ऑफ लेंस, नॉट सो ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ लेंस, इन केस ऑफ लेंस. लेंस दूसरी बात के लेंस डिपेंड्स ऑन या लेंस कॉजेज रिफ्रैक्शन. ये रिफ्रैक्शन का डिवाइस है. बट जोन कॉजेज, जोन प्लेट कॉजेज क्या करता है, जोन प्लेट्स कॉजेज डिफ्रैक्शन, या डिफ्रैक्शन का डिवाइस, वहाँ रिफ्रैक्शन था यहाँ डिफ्रैक्शन. लेकिन फार्मूला इज़ वेरी मच सिमिलर, सो वी कैन सी एंड वी कैन शो. तो विद दिस जोन प्लेट की बात ख़त्म, इसी के साथ बाकी बात फिर बाद में.